हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आ रखी है इको स्पोर्ट। इस कार के अंदर जो प्रॉब्लम है, इसकी जो एसी ब्लोअर है वो इसका बार बार ट्रिप मार रहा है। ये देख सकते हो आप, ये चलता हुआ भी एसी चला हुआ है, सब कुछ ऑन है, फिर भी जो इसका ब्लोअर है वो ट्रिप मार रहा है। ये देखो, साउंड स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है। इसको डायग्नोस करते हैं कि ये हो किस वजह से रहा है। ये हम इसकी एक बार वायरिंग खोल के चेक कर रहे हैं, जो इसके फ्यूज है वो चेक कर रहे हैं, जो इसके सेंसर हैं एसी से रिलेटेड वो सारी चीजें चेक कर रहे हैं, कहीं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम इसकी एक बार रिले चेक कर रहे हैं, और रिले चेक करने के लिए हमारे पास ये एक टूल है, वहाँ से लगा हुआ है। इस टूल के ऊपर रिले लगाते हैं और चेक हो जाती है कि कौन सी रिले ख़राब है कौन सी सही है। जैसे कि ये, जैसे ये रिले है, ये हमने इसके अंदर लगाई, ये वर्क कर रही है, ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इस रिले के अंदर, बढ़िया है। ये अच्छा इक्विपमेंट है, अच्छा टूल है ये। देख सकते, ये हमने इसका एक बार ब्लोअर खोल के चेक किया है कि ब्लोअर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लोअर हमने फिट कर दिया है, उसके बाद भी आप देखो इस साउंड को सुनो। ये मैंने इसके ऊपर पेपर भी लगा रखा है, जब ब्लोअर चलता है तो इसका साउंड भी आता है। ये देखो, अब ये जो पेपर हिल रहे थे, ब्लोअर चल रहा है, अब ये ब्लोअर बंद हो गया, अब ये ब्लोअर फिर स्टार्ट हो गया, फिर ये ब्लोअर बंद हो गया। तो यही इसके अंदर, इलेक्ट्रिशियन से मैं आपकी बात कराता हूँ। वायरिंग में इशू है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस भी खराब हो गया था तो वो चेंज कर दिया है हमने। चेंज कर दिया है, अब वायरिंग इशू सॉल्व करना है। इसकी जो वायरिंग है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तो हम इसकी पूरी वायरिंग चेक कर रहे हैं। हमने इसके एक एक फ्यूज चेक किए हैं अभी तक, ये इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और बाकी की मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम हुई किस वजह से। क्या पता इसके अंदर कोई छोटी सी ही प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहना, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो इसके इलेक्ट्रिकल वर्क थे वो सारे कर दिए हमने, जो फॉल्ट था वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसके लेते हैं फाइनल टेस्ट ड्राइव और चेक करते हैं इसके ब्लोअर को कि कहीं वो अब भी ट्रिप तो नहीं मार रहे। तो ये हमने काफी लंबी अच्छी टेस्ट ड्राइव ली है, 7-8 किलोमीटर की, 7-8 किलोमीटर ही हम वापस भी जाएंगे यहाँ से। इसका जो ब्लोअर है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, ना ही अब ये ट्रिप मार रहा है, ना ही ये कम भर्ती हो रहा है। ये जो इसकी जो टेम्परेचर की जो वो है वो भी बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल ओके हो चुकी। जो प्रॉब्लम थी वो हमने इसकी देखी, जो BCM है इसका, उस BCM को प्रॉपर तरीके से अर्थिंग नहीं मिल पा रही थी AC के पॉइंट पे, इसलिए इसका जो BCM है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। अर्थिंग जहाँ पे छूट जाती थी वहीं पे इसका ब्लोअर काम करना छोड़ देता था, जैसी अर्थिंग पकड़ लेता था वैसे ही इसका ब्लोअर काम करना स्टार्ट करता था। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत आती है ब्लोअर से रिलेटेड, तो आप इसके BCM को जरूर चेक कराएं, कहीं पे उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं वो प्रॉपर तरीके से अर्थिंग तो नहीं ले रहा है, या फिर इसके जो फ्यूज है उनको चेक कराएं, उनकी रिले को चेक कराएं, उसके अंदर भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके चलते हुए लोग कई बार काफी ज्यादा खर्चा कर देते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, और जबकि प्रॉब्लम जो होती है वो छोटी सी निकलती है। अगर आपकी कार में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वर्कशॉप पे आके विजिट कर सकते हो। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।